और भाई तो क्या हाल चाल है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और दुबई या फिर यूएई के बीच में फिर से फ्लाइट शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और बाकी कंट्रीज धीरे धीरे करके एयर बबल्स क्रिएट कर रही हैं ताकि फिर से फ्लाइट्स को शुरू करा जा सके, वैसे ही इंडिया और यूएई के बीच में फिर से फ्लाइट शुरू हो चुकी है दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीजा प्रोसेस के बारे में, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कैसे कैसे आप फ्लाइट्स को बुक कर सकते हैं और क्वारंटीन रूल्स क्या हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं उड़ता इंजीनियर, तैयार हो जाइए आज की उड़ान के लिए। दोस्तों तो फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से लोग अभी ट्रेवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है अभी। जिन लोगों के पास वहां का रेजिडेंट परमिट है या फिर वर्क परमिट है, सिर्फ अभी वो ही ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ जो लोग यूएई में फंसे हुए हैं, जो कि इंडियंस हैं, जो अब इंडिया में वापिस आना चाहते हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। अगर आप यूएई से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप रजिस्टर करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जिसके थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास दुबई का रेजिडेंट वीजा है तो पहले आपको कंसर्न्ड अथॉरिटीज से परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आप वापस दुबई में ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फ्लाइट बुकिंग के बारे में। तो फ्लाइट बुकिंग कराने से पहले आपको कुछ परमिशन चाहिए, उन परमिशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद ही आप फ्लाइट की टिकट को बुक कराइए। दोस्तों अगर आप एमिरेट्स और फ्लाई दुबई से ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आप दुबई रेसिडेंट्स हैं तो आपको GDRFA अप्रूवल चाहिए, और अगर आप दुबई से बाहर रहते हैं मतलब आप इमिराती रेजिडेंट्स हैं तो आपको ICA का अप्रूवल लेटर चाहिए। साथ ही साथ अगर आप एतिहाद से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ICA या फिर IPA का अप्रूवल चाहिए। दोस्तों अगर आप स्पाइसजेट से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप GDRFA या फिर ICA दोनों में से किसी का भी अप्रूवल ले सकते हैं। दोस्तों मैं यहां पे एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको डायरेक्टली फ्लाइट बुक नहीं करानी है, पहले आपको GDRFA की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करना है, उसके बाद आपको वहां से रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस रेफरेंस नंबर को आपको अपनी फ्लाइट बुकिंग के टाइम पे एंटर करना है, उसके बाद ही आप फ्लाइट्स को बुक करा पाएंगे। तो आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करके ही फ्लाइट्स को बुक कराइए। जब आप GDRFA का एप्लीकेशन को फिल करेंगे तो उसमें आपको फाइल नंबर डालना पड़ेगा जो कि आपके वीजा पे मेंशन होता है, तो आपको वो फाइल नंबर डालना है और एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स मेरे पास ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमने GDRFA की वेबसाइट पर पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट किया लेकिन फिर भी हमारे पास कोई रेफरेंस नंबर नहीं आया। तो दोस्तों आप 4 डेज के बाद, 4 दिन के बाद फिर से उस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि इस टाइम पर धीरे धीरे करके कुछ कुछ एप्लीकेशन ही अप्रूव हो रही हैं, लेकिन आई एम श्योर कि आपका एप्लीकेशन भी अप्रूव हो जाएगी। दोस्तों अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो यूएई से वापस इंडिया आना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आपको अबू धाबी एयरपोर्ट पर एटलीस्ट 6 आवर्स पहले पहुंचना है, या जिस भी एयरपोर्ट से आप अपनी फ्लाइट को बोर्ड कर रहे हैं आपको 6 आवर्स पहले पहुंचना है, ताकि वहां पर आपका एक रैपिड टेस्ट होगा कोरोना का, ताकि आप उस टेस्ट को क्लियर कर सकें, उसके बाद ही आपको प्लेन में बोर्ड करने देंगे। तो एटलीस्ट ट्राई करिए कि 6 आवर्स पहले पहुंच जाइए, और मैं आपको ये भी साथ ही साथ रिकमेंड करूंगा कि आप कोरोना का टेस्ट वहां पे पहले से करा लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आप कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वारंटीन रूल्स के बारे में। जो लोग इंडिया से यूएई वापस जा रहे हैं उनको क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, प्लस क्वारंटीन के रूल्स क्या हैं और टेस्टिंग के रूल्स क्या हैं, इनको डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों यूएई ने ये रूल पहले ही क्लियर कर दिया है कि आपको एटलीस्ट 96 आवर्स पहले फ्लाइट को बोर्ड करने से पहले आपको कोविड टेस्ट करवाना है, उसकी रिपोर्ट अपने पास रखनी है और वो कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए, तभी आप इमिग्रेशन को क्लियर कर पाएंगे और आप प्लेन को बोर्ड कर पाएंगे। दोस्तों साथ ही साथ अगर आप अबू धाबी जा रहे हैं तो एटलीस्ट ये रिपोर्ट 72 आवर्स पहले आनी चाहिए, तभी वो आपको अलाउ करेंगे एंटर करने के लिए। तो दोस्तों यूएई के सारे पार्ट्स के लिए ये टाइम है 96 आवर्स का, मतलब डिपार्चर से 96 आवर्स पहले आपको ये टेस्ट करवाना है, लेकिन अबू धाबी अगर आप स्पेशली जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 72 आवर्स पहले ये टेस्ट करवाना है डिपार्चर से। दोस्तों साथ ही साथ अपने फोन में आपको COVID-19 DXP Smart ऐप को रखना है, तो दैट की गवर्नमेंट आपके हेल्थ स्टेटस को कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर कर सके, प्लस आपके ट्रैवलिंग डिटेल्स को कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर कर सके। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ टिप्स के बारे में। तो मैं जैसा कि बाकी सब वीडियोस में रिकमेंड करता हूं, मैं आपको इस बार भी रिकमेंड करूंगा कि आप कॉन्टिन्यूअसली गवर्नमेंट की इस वेबसाइट को मॉनिटर करते रहिए। कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहिए, हमारी जो पूरी कम्युनिटी है यूट्यूब कम्युनिटी, जो जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसमें अपडेट करते रहते हैं कि क्या क्या अब चल रहा है और कैसे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअसली
हर दिन नए नए रूल्स बन रहे हैं, तो इन रूल्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में चेक करते रहिए, यूएई गवर्नमेंट की वेबसाइट को कंटिन्यूअसली चेक करते रहिए। दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई और भी क्वेश्चन आता है तो जिस कंपनी के लिए आप वर्क करने जा रहे हैं वहां पर भी एक बार फोन कॉल करके या ईमेल करके चेक कर सकते हैं कि वहां पे सिचुएशन क्या है, प्लस और लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। Thank you.